जबलपुर की भेड़ाघाट स्थित ओबेरॉय होटल में शादी समारोह के दौरान चोरी गए 6,45,000 रुपए के जेवर कठिया सांसी गिरोह ने चुराए थे। पुलिस राजगढ़ में पहुंची और वहां की पुलिस को होटल के सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो आरोपी की पहचान हुई। स्थानीय पुलिस के साथ टीम ने आरोपी के ठिकाने पर दाबिश दी तो वह जेवर की पोटली फेंक कर भाग निकला। भेड़ाघाट टीआई शफीक खान के मुताबिक 19 फरवरी की रात भेड़ाघाट स्थित ओबेरॉय होटल से जेवरी चोरी हुई थी। होटल से नेपियर टाउन शुभ लक्ष्मी रेसिडेंसी निवासी घनश्याम अग्रवाल के बेटे मनु अग्रवाल की शादी थी। परिवार की ओर से दुल्हन को चढ़ावा के रूप में सोने का करधरन, दो हार, एक बिंदी, चांदी की पायल आदि दिए गए थे। दुल्हन की मां छवि करण सोनी ने बैग में जेवर रख लिए थे। शाम 6 बजे के लगभग अचानक मंडप के पास मौजूद महिलाओं और दूल्हे की माँ को खुजली होने लगी। वहाँ अफरा तफरी मच गई। रात 8 बजे दुल्हन के पिता अजय कुमार सोनी ने बताया कि गहनों वाला बैग गायब है। लड़का व लड़की के परिवार वालों ने पूरा होटल खंगाल डाला लेकिन जेवर से भरा बैग नहीं मिला। इसके बाद होटल के कैमरे की जांच की गई, इसमें एक युवक जेवर का बैग लेकर जाते हुए दिखा। वारदात का तरीका राजगढ़ के कठिया सांसी गिरोह की थी। क्राइम ब्रांच के साथ टीआई की टीम राजगढ़ के थाना बोडा पहुंची, वहां सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए। फुटेज देख स्टाफ ने चोर की पहचान बादल पिता कृष्णा पाल निवासी गुलखेड़ी के रूप में की थी। भेड़ाघाट टीआई व क्राइम ब्रांच की टीम स्थानीय पुलिस के साथ आरोपी को यहां दाबिश दी। पता चला कि वह गहनों को बेचने पचौरा जा रहा है। टीम ने वहां घेराबंदी की लेकिन वह गहने को बैग छोड़कर भाग निकला। बैग में चुराई गई सोने की करधन, दो हार, एक बेदी, चांदी की पायल आदि मिल गया। पुलिस जब्त कर भेड़ाघाट लौट आई है। आरोपी की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।